अज असी करांगे क्लास फिफ्थ की मैथमैटिक्स की वर्कशीट फोर फ्रैक्शनल नंबरस। पहला मैं 3 वर्कशीट्स अपलोड कर चुकी हूँ वीडियो, जेकर किसी बच्चे ने नहीं देखी सो मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हो। सो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ अ राइट फ्रैक्शन फॉर 50 पैसे ऑफ 1 रुपी। 50 पैसा ऑफ 1 रुपी की आप फ्रैक्शन देखनी है कि है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन आप फ्रैक्शन के लिखिए तो यह होगा 50 अपॉन 1 रुपीज़ कि 100। 50 अपॉन 100, 0 नाल 0 कैंसल, 5 1 ज़ 5, 5 2 ज़ 10 की रह गया 1/2। सो आपने 1/2 के उत्ते टिक कर देना ए ऑप्शन, ठीक है। सैकेंड है, इन विच फिगर द फ्रैक्शन ऑफ द पेंटड पार्ट इज़ 1/3। इन्होंने कि फिगर के जोड़ा पेंट किया हुआ पार्ट आ वह 1/3 है, यानी कि 3 हिस्सों के एक पार्ट आ जोड़ा किया हो, एक पार्ट छड़े हुआ ज कलर किया हो। पहले विच की है अपने को दो पार्ट कलर किए हुए, दो छड़े हुए, सो की हो जाएगा 2/4, ये रोंग है। नैक्सट के भी सेम 2/4 ही आ। सी दे विच की आ 1/3, ठीक है। तो डी दे विच की अपने को 1/4, सो असी सी ऑप्शन के उत्ते जिहड़ा टिक करांगे, सी ऑप्शन अपना करैक्ट आंसर होएगा। उस तो बाद है, वट इज़ अ पार्ट ऑफ शेप विदाउट कलर पार्ट। कलर पार्ट तो बिना जिहड़ी हैगी है शेप दी की पार्ट होएगा। ये दो पार्ट केड़े ने, दो पार्ट ने, सो आप की लिखांगे टोटल पार्ट्स किने ने अपने को। अपने को टोटल पार्ट्स है 3, तो नॉन कलर केड़े ने 2, सो अपने को 2/3 आजूगा आंसर। दैन फोर्थ क्वेश्चन है, सुनील हैड 9 बनानास, आउट ऑफ दीज ही गेव 4 बनानास टू हिज फ्रेंड सुरेश। सुनील को 9 बनानास ने, उन्हें 4 बनानास अपने फ्रेंड नू देते। सो उन्हें अगे की है, द वट फ्रैक्शन ऑफ बनानास लैफ्ट विद सुरेश। सुरेश को किन्ने बनानास होए, ठीक है। सो सुरेश को किन्ने होए, 4/9, सो असी 4/9 के उत्ते टिक करांगे। नैक्सट है, निर्मल डिवाइडड द शेप इंटू ईक्ल पार्ट, स्टेट द फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ ईच पार्ट। उन्होंने कहा कि निर्मल ने एक शेप नू जाने के सर्कल नू ईक्ल पार्ट्स के डिवाइड करता, ठीक है। मतलब कि सारे पार्ट्स की ने ईक्ल ने, सो अपने वो फ्रैक्शनल फॉर्म लिखनी है हर एक पार्ट की की होएगी। जे सपोज करो ये वाला पार्ट कलर करता असी की होएगी 1/3, जे ए वाला पार्ट कलर करता तो भी 1/3, तो ए वाला पार्ट कलर करता तो भी 1/3 हो जाएगी। सो आप बी ऑप्शन से टिक करा 1/3, ठीक है। क्वेश्चन है, एट हरिंदर्स बर्थडे पार्टी हीज डैड ब्रॉड बैलून्स फॉर 24 चिल्ड्रन टू प्ले विद। हरिंदर की बर्थडे पार्टी होते हुए पापा सारे बच्चों 24 बैलून लेके आए खेडन वास्ते। देर आर 13 रैड बैलून्स इन दिस। 24 13 जेडे है रैड बैलून ने। सो हाउ मैन चिल्ड्रन कैन गैट द रैड बैलून, डिस्क्राइब इट्स फ्रैक्शनल फॉर्म। सो असी देखना वा कि जेडे 13 रैड बैलून ने किन्ने बच्चों मिलने। सो असी ने फ्रैक्शनल फॉर्म के जोड़ा उन्होंने रीप्रजेंट करना वा। सो 13 के टोटल आप लिख रहे होंगे नीचे एज अ डिनोमीनेटर, एंड जी अपने को फेवरेबल आउटकम जिन्हों आप कह दें, ठीक है। जेडे आप काउंट दसे हुए जिदी आप फ्रैक्शन फाइंड करनी वो होंगी एज अ न्यूमीरेटर लिख रहे हैं। सो अपने को फ्रैक्शन है 13/24, तो बी ऑप्शन जरा टिक करोंगे। सी सैवंथ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर शोज 4 ईक्ल पार्ट्स। इन्होंने कि फिगर है जी 4 ईक्ल पार्ट्स में डिस्क्राइब करती है। ए ऑप्शन किन्ने पार्ट ने, 2 पार्ट है ईक्ल ने, बट ए 4 नहीं है, सो ए ऑप्शन रोंग है। बी ऑप्शन 4 पार्ट्स ने एंड ईक्ल ने, सो बी ऑप्शन करैक्ट है। सी ऑप्शन किन्ने पार्ट ने, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स, सो ए वाली भी रोंग है। डी ऑप्शन अपने को 6 पार्ट्स ने, 1 2 3 4 5 6, सो ये भी जी रोंग है, सो बी ऑप्शन असी टिक करांगे। 8th क्वेश्चन है, इन विच फिगर फ्रैक्शन ऑफ कलर्ड पार्ट इज़ इक्वल टू 1/4। इन्हों कि फ्रैक्शन है जी
अपन फिगर आ जी कलर पार्ट शो करती है जि 1/4 रीप्रजेंट करती है कि फिगर अपन 1/4 कलर फिगर रीप्रजेंट करती है कि उन्होंने 4 पार्ट्स के 1 पार्ट आ जोड़ा कलर होया हो ये ऑप्शन की अपने को 4 टोटल पार्ट्स ने कलर किन्ने ने 2 सवेरी की होगी 2/4 ये गलत है बी दे विच भी 2/4 होगी क्योंकि 4 पार्ट्स ने 2 कलर ने सी दे विच अपने को होगी 3 टोटल पार्ट्स ने कलर किन्नी है 1 सो तुसी ए भी रोंग है डी ऑप्शन दे विच 4 पार्ट्स ने टोटल ते 1 जेडी कलर्ड पार्ट है सो तुसी अपन डी ऑप्शन करेंगे क्योंकि ये हो गया 1/4 पार्ट 9th क्वेश्चन है हाउ मैनी पार्ट्स आर एप्पल इन द गिवन फिगर एर विच एप्पल किन्ने पार्ट्स है सो पहला टोटल पार्ट्स लिख लेने 4 ठीक है तो एप्पल किन्ने 1 के आ गया अपने को 1/4 पार्ट सो अपने को ऑप्शन ने 1/4 पार्ट्स 3/4 पार्ट्स 1/3 या 2/4 सो आप ए ऑप्शन टिक करांगे 10th क्वेश्चन है गुरलीन ड्रू अ लाइन इन डिफरेंट शेप्स एंड डिवाइड इट इन हाफ गुरलीन ने दो अलग अलग शेप्स के विच किसी भी शेप के विच लाइनस ड्रॉ करती हैं तो उन्होंने हाफ करता ठीक है सो उन्होंने कहा टीचर आस्क हर टू पेंट हाफ पार्ट ऑफ विच इज़ करैक्ट फॉर हिज आंसर और टीचर ने उन्हों जिहड़ी उन्हें फिगर बनाई वह हाफ पार्ट की आ पेंट करन नू कहता सो इहदे विचों किहड़ी फिगर आ जिहड़ी उस चीज़ नू रीप्रजेंट करती आ ऑप्शन अपने को 2 or 3 ये ऑप्शन असी आइडेंटिफाई करते हैं 2nd or 3rd जेकर उन्हें एक सीधी लाइन लगाई सीधी लाइन तो कोई है नहीं ठीक है ना ये कोई हाफ हो रहा सो सैकेंड तो हो ही नहीं सकता 3rd आप देख लीए तो उन्हें 1 सीधी लाइन खिंची तो उन्होंने हाफ करता तो वो हाफ पार्ट जो पेंट करना होता तो आवड़ा होना सी सो ये भी जो रोंग है उस तो बाद आप 1/4 ऑप्शन है 1/4 की आ 4 पार्ट से हाफ पार्ट कलर करता ठीक है 2 रह गए सेम इधर है ये मतलब 4 पार्ट नहीं है बट हाफ पार्ट जोड़ा कलर होया हो ओनली 2 सैकेंड भी नहीं है ना ही ऑल ऑफ दी ने असी बी ऑप्शन से टिक करा 2 and 1 and 4 11th क्वेश्चन है द मीनिंग ऑफ न्यूमरेटर अकॉर्डिंग टू द कलर्ड पार्ट इज न्यूमरेटर होंदा एन अपॉन डी डिनोमिनेटर ठीक है ये उन्होंने कहा कि जोड़ा अपने को सर्कल है ये कलर पार्ट का न्यूमरेटर की होगा पहले इन आप फ्रैक्शन लिख लें टोटल पार्ट्स 8 ने कलर पार्ट किन्ने ने 3 जाने कि अपने को न्यूमरेटर की है 3 एंड डिनोमिनेटर 8 ठीक है सो तुसी ए ऑप्शन की है 8 पार्ट्स ऑफ व्हील 8 पार्ट्स विदाउट कलर्ड 3 पार्ट कलर्ड या नन ऑफ दी सो आप 3 पार्ट कलर्ड लावांगे डी ऑप्शन सी ऑप्शन साढ़े को करैक्ट होएगा 12th क्वेश्चन है 1/4 पार्ट ऑफ लैंड इज़ अंडर द ग्राउंड 1/4 पार्ट है जेड़ा ग्राउंड दे विच लैंड है जेड़ा ग्राउंड दे थले आ अंडर है ठीक है विच ऑफ दिस कलर्ड पार्ट रिप्रजेंटेड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इन्होंने केड़ी फ्रैक्शन है जी इक्विवेलेंट शो कर दी आ सो असी बी ऑप्शन से टेक करांगे क्योंकि 4 पार्ट ने एक उन्होंने नॉन कलर छड़िया होया सो ये 1/4 होए ठीक है 13th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न रिप्रजेंट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इन्होंने केड़ा पैटर्न है जोड़ा सानू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन रिप्रजेंट करता है ए ऑप्शन बी सी या डी आप देखते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जाने के फर्स्ट नंबर दी अपने कोल की है फ्रैक्शन 2/4 एंड सैकेंड दी 1/2 इन्हों कटिंग करके साढ़े को जोड़ा नंबर आ वो सेम बनना चाहिए 2/4 देख लिए इक्वल्स टू 1/2 हम 2/4 की कटिंग करांगे अपने को 1/2 आ गया जाने के 1/2 इक्वल्स टू 1/2 दिस इज़ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से बी ऑप्शन है 2/3 and 1/3 सो दिस इज़ नॉट इक्वल टू ईच अदर दिस इज़ नॉन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सी ऑप्शन है 8 पार्ट्स ने दे जाने के आप देखेंगे 7/8 and 6/8 ये भी जी है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं हैगी जो कटिंग करनी हो भी कर सकते हो 2/3 the 6 2/4 the 8 तो 7/8 की कटिंग ही नहीं होंगी सो यह भी की है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं हैगी डी दे विच की है 1/2 and 1/3 सो ये भी जी है इक्विवेलेंट नहीं हैगी सो असी ए ऑप्शन जोड़ा टिक करांगे 14th क्वेश्चन है चूज़ द करैक्ट साइन चूज़ करना सो ये उन्हें
210 एंड अपॉन 1000 एंड 0.210। सो अगर असी देखिए एक उन्हें ने फ्रैक्शनल फॉर्म दी है, एक डेसिमल फॉर्म दी है। पहले असी जो डेसिमल फॉर्म है फ्रैक्शनल फॉर्म है उन्होंने डेसिमल से अगर चेंज करते हैं तो वह 0.210 बनती है। जे असी डेसिमल फॉर्म में फ्रैक्शन चेंज करते हैं तो 210 अपॉन 1000 बनते हैं। ठीक है, सो दोनों की ने इक्वल ने, सो सी ऑप्शन असी इक्वल टू द टिक करांगे। उस तो बाद 15th है, इन विच नंबर 4th इज़ इन द 100th प्लेस। 4th कि 100th प्लेस है। हुण आपां देखो पहला जे अपने कोल सिंपल नंबर होंदे 2, 4, 6 इन्हां नूं आपां जिहड़ा लिखदे आं आपां वनज टैनज हंड्रड। ठीक है, उदों अगे दी अगे आपां वैल्यूज़ इनक्रीज़ करदे हां। बट जद अपने कोल हैगा है कोई भी डैसीमल नंबर है, सपोज 2.4 है जां फिर 2.4, ए वाल तो हो जूगी अपने को वनज प्लेस। बट पॉइंट तो बाद जो फर्स्ट नंबर है उन्होंने आप टैंथ प्लेस गिनते हैं। टैंथ पिछे टी एच आ जाता, टी ई एन टी एच, तो जी आप हंड्रड्स कहते सी हंड्रड्स प्लेस, सो हो जूगी हंड्रड्थ पिछे टी एच आ जाता। डेसिमल तो बाद जो नंबर ने उन्होंने आप टैंथ हंड्रड्थ तो अगे दे अगे वैल्यूज़ इनक्रीज़ होंगे जाने ने। सो असी डेसिमल तो बाद देखना कि 400th प्लेस से हैगा कि वैल्यू च है। ए ऑप्शन 4 हैगा है बट वो कि टेंथ प्लेस से, बी ऑप्शन के 100th प्लेस से हैगा आ, सी ऑप्शन 4 वनज प्लेस से है, तो डी ऑप्शन के भी 4 वनज प्लेस से है। सो असी बी ऑप्शन टिक करांगे। 16th क्वेश्चन है, विच डेसिमल नंबर रीप्रजेंट बाय द नंबर ऑफ एप्पल इन द गिवन फिगर। इन दा एप्पल है जिहड़ा, सॉरी केड़ा डेसिमल नंबर आ एप्पल दी आपां नूं डेसिमल फॉर्म दे विच रीप्रजेंट करता है। सो अपने कोल किन्ने ऑब्जेक्ट किन्ने ने अपने कोल 4, इन्हें अपने इन्हें 0.25 अगर वैल्यू लैने। सो एप्पल किन्ने ने अपने को 3 ते 1 मैंगो, सो ज 0.25 नूं आपां 3 टाइम प्लस करदे अपने को 0.75 आंदा आ। सो असी डी ऑप्शन ते टिक करांगे। उस तो बाद है 17, इन विच नंबर 8 इज़ द 10th प्लेस। 8 10th प्लेस से कि नंबर दे विच है, ए बी सी डी। हुण इहदे विच देखो सी और डी दोनों सेम दिते हुए आ, सो तुसीं आपां 10th प्लेस से देखना आ, तुसीं इहनां दे विचों कोई भी ऑप्शन टिक कर देना। मैं सी ऑप्शन ते टिक कर रही हाँ क्योंकि 10th प्लेस जिहड़ी हुंदी आ डैसीमल तो बाद, जां फिर इत्थे कुछ मिसप्रिंट होण तो रह गया हो, सो असीं सी ऑप्शन टिक कर रहे हाँ। ठीक है, 18th क्वेश्चन है, विच फ्रैक्शन एंड डैसीमल इज़ रीप्रजेंटेड बाय द गिवन ग्रिड। इन्हां दे विचों केड़ी जिहड़ी फ्रैक्शन आ वो डैसीमल रीप्रजेंट करती है ग्रिड दे विच। ठीक है, ग्रिड दे विच पहले बॉक्स देखो किन्ने ने, 10 बॉक्सिज़ ने, काउंट करके दिखा दें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 10 बॉक्सिज ने, कलर किन्ने ने अपने को 2 जन के फ्रैक्शन की 2/10। जब इन असी डैसीमल फॉर्म चेंज करना, जिन्या जीरोज़ ने नीचे डिनोमीनेटर उन्नी पिछे आप पॉइंट तो पिछे नंबर रखा 0.2 आंसर आ। सो ए ऑप्शन साढ़ा ये अकॉर्डिंग ठीक है, 0.2 ते 2/10। 19th क्वेश्चन है, विच नंबर इज़ टू फिल द ब्लैंक बॉक्स ऑफ अपॉन 10 सो दैट इट बिकम इक्वल टू 0.8। अपने को अपॉन 10 देता, जाने कि इतने अपने को न्यूमरेटर की वैल्यू है नहीं, असी ने न्यूमरेटर की वैल्यू वो देनी है जिन्हों अपने जिन्हें अपना 0.8 बन जाए। ठीक है, जिहड़ी वैल्यू पुट करके अपने को 0.8 बन जाए, सब तो पहले आप 0.8 है जिहड़ा उन्हों असी फ्रैक्शन चेंज करते हैं तो अपने को वैल्यू आजूगी। 0.8 जब असी फ्रैक्शन चेंज करते हैं, असी देखेंगे सब तो पहले आपने 8 ही लिख लेना है। ठीक है, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं। उस तो बाद पॉइंट तो पिछे जिन्ने नंबर ने वो लिख लेने, कि नंबर आ 1, सो 10 आ गया अपने को, आऊगा 8 आऊगा, तो ब्लैंक इतने की होजू 8 आजू। ठीक है, 20th क्वेश्चन है, विच डैसीमल नंबर इज़ द लार्जेस्ट। इन्हां विचों केड़ा डैसीमल नंबर है जिहड़ा सब तो लार्जेस्ट है। सो डैसीमल नंबर लार्जेस्ट वो हुंदा है जिहड़ा पॉइंट दे पॉइंट तो बाद जिहड़ा नंबर है वह नियरेस्ट होगा। हुण देखो ए ऑप्शन 0.5 है, ये लार्जेस्ट नंबर होगा, बाकी क्यों नहीं है मैं तुहानूं रीज़न दस दी हाँ। क्योंकि जब भी पॉइंट तो बाद 0, 0, 0 तो बाद नंबर जिनी इनक्रीज़ हो जाती है वो वैल्यू उन्नी असल दे विच उहदी वैल्यू घटती जाती है। सो असी ए ऑप्शन ते जिहड़ा टिक करांगे। 21st क्वेश्चन है, विच फ्रैक्शन इज़ इक्विवेलेंट टू द कलर्ड पार्ट ऑफ द गिवन फिगर। इन्हां दे विचों केड़ी फ्रैक्शन है जिहड़ी इक्विवेलेंट हैगी आ कलर पार्ट दे अकॉर्डिंग। इहदे दी फ्रैक्शन की है 1/3, तो 1/3 अपने कोल ऑप्शन हैगी आ, यस हैगी आ, सो असी उहनूं टिक करांगे।
22 ते है। चूज़ द करैक्टर साइन, साइन करैक्टर चूज़ करना वा। फर्स्ट अपने को 100 बॉक्सिस 12 कलर ने फ्रैक्शन देती, तो ये 100 बॉक्सिस 24 कलर ने। सो ओबियसली जब अपने को डिनोमीनेटर सेम ने, सो असी ईजीली जरा फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ईजीली असी फाइंड कर सकते हैं कि वड्डा है, जो वड्डा होगा वो कहीं अपने साइन चेंज कर देना है। सो अपने को वाला साइन आऊगा, ये वाला ए ऑप्शन से साइन हैगा ग्रेटर का साइन, ठीक है। 23 है, विच पेयर ऑफ फ्रैक्शन इज इक्विलेंट, इन्हें विचों के पेयर है जो इक्विलेंट आ। फर्स्ट ऑफ ऑल 1/3 एंड इक्वल्स टू 6/9 दिता हुआ इन्होंने। जे आप 6/9 की कटिंग करते हैं, 3 2 6 3 3 9, सो दीज आर नॉट इक्विलेंट फ्रैक्शन, ए ऑप्शन नहीं है। बी दे उत्ते 3/4 एंड 5/20, 5/20 जब कटिंग करते हैं, 5 1 5 5 4 20 1/4 आ, बट इधर तो 3/4 से 3/4 आप फरदर कटिंग नहीं कर सकते, इसलिए नहीं की। सो 3/4 एंड 1/4 इक्वल नहीं है, सो बी ऑप्शन भी रोंग है। सी ऑप्शन के अपने को 5/6 एंड 10/20। जे आप 5/6 की कटिंग करनी चाहिए तो नहीं होनी, आंसर पॉइंट के आऊगा, कटिंग नहीं होनी। तो 10/20 की कर दे, 10 1 10 10 2 20 1/2 आंदा, जिहड़ा कि इक्वल नहीं है। डी ऑप्शन की है 3/5 एंड 6/10। 3/5 की आप फरदर कटिंग नहीं कर सकते, जो 6/10 की करते हैं 2 3 6 एंड 2 5 10। सो ए वाली डी ऑप्शन है जो अपने को करैक्ट है, क्योंकि ये कि ने कटिंग करके अपने को आंसर की है सेम आता है, दोनों फ्रैक्शनस ने इक्वल बन दिया ने, ठीक है। 24 तो है, डिस्क्राइब द लार्ज पार्ट ऑफ केक दैट करन गैट्स एज अ फ्रैक्शन। ये उन्होंने आ वाला पार्ट है जोड़ा करन का दसिया वा, मैं थोड़ा जूम करके दिखा रही, उन्होंने पंजाबी लिखा हुआ करन का हिस्सा, ठीक है। ए वाला पार्ट है जोड़ा उन्होंने दसिया कि इन्होंने के लार्जेस्ट पार्ट आ फ्रैक्शन के करन मिलेगा। सो इन्होंने लार्जेस्ट पार्ट कि जोड़ा बी ऑप्शन के आप ए बी डिनोट कर देने ए एंड बी। सो बी दे विच की अपने को पार्ट वड्डा आ, बट टोटल पार्ट वो कि दसे हुए हैं 2। सो 2 दे विच उन्हें 1 मिल रहा, सो आप कहेंगे 1/2 वो फ्रैक्शन होएगी, ठीक है। उस तो बाद आ गया 25th क्वेश्चन, डिस्क्राइब द फ्रैक्शन फॉर्म एज शोन इन द डायग्राम। यदि अपने जो अपन ग्रिड दिती है, वो अपने फ्रैक्शनल फॉर्म दसनी है। ग्रिड की है, 100 बॉक्सिस ने ग्रिड दे विच, ठीक है। कलर्ड अपने को 15 काउंट कर देने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे नू भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10s 100। सो 100 बॉक्सिस ने, 15 कलर ने, 15/100। सो आप 15/100 के उत्ते टिक करांगे, बी ऑप्शन साडे कोल करैक्ट है। सो इसी के अज दी वीडियो, मिलते नैक्सट वीडियो में, उदले बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।